सब सरकारियों का काम रिस्की हो मेरे। अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज वीक एवरीबॉडी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो सीन्स आर लाइक प्रीटी डिफरेंट। हमने डेली ब्लॉगिंग से अपना कंटेंट चेंज करके नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइक कंपैरिजन वीडियोस। सो क्योंकि टाइम का इशू बहुत हो रहा था, इसलिए पूरा ब्लॉग बना नहीं पा रहा काफ़ी दिनों से। एक्चुअली एक महीना गुजर चुका है इस बात को। खैर, तो आज का टॉपिक हमने रखा है सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी। सो स्टे ट्यून्ड, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी जॉब कैसे मिली? साइंस के अंदर कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। आप जाओ पीर के पास, अपने मुर्शिद के पास, आपने इतना बोलना है कि साईं क्या हाल चाल है, ठीक हो, बड़ा ठीक, बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बस हमने क्या करना है कि खाली कुछ भी नहीं करना है, जाके साईं को बस एक थादर का गिलास पिलाना है और नौकरी पक्की आपकी। जॉब कैसे मिली भाई? उसके लिए तो पहले हमें बहुत पढ़ना पड़ा, मैट्रिक के अंदर ए प्लस, इंटर के अंदर ए ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट डिवीज़न, मास्टर्स के अंदर फर्स्ट डिवीज़न, ये सब लेने के बाद फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी पड़ी। उसके बाद सब जगह पे देना सीवी दे देंगे एंड में इंटरव्यूज़ भी दे के बाद जाके कोई एक सिलेक्शन हुई और मैं एज ए इंटर्न हायर हो गया फाइनल। स्टडी नहीं साईं, इसमें कोई स्टडी की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बस आपके पास एक सिंधी टॉपी होनी चाहिए, अचरक होनी चाहिए, बस सरकारी नौकरी तैयार। क्या इसके अंदर इतना घूमना फिरना? टाइमिंग के मामले में भाई मैं बहुत पावर हूँ। पूरे टाइम पे 8 बजे की टाइमिंग है, 8 बजे मैं ऑफिस के अंदर होता हूँ, जाके भाई थंब लगाना पड़ता है, वरना उसके अलावा आपको पता है फिर सैलरी कट होती है। इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने कपड़े प्रेस कर सकूँ भाई, कोई ऐसा नहीं। नौकरी की टाइमिंग, सरकारी नौकरी की टाइमिंग नहीं होती है भाई। मस्त उठते अपना नींद पूरी करके सुबह के टाइम, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है हमने, नाश्ता वाश्ता करना है, थक जाते हैं रात को, नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद हमने चुप करके कंगी शंगी करके अपनी पराठों निकालनी है और सीधा ऑफिस पहुँच जाना है बस। अब वो चाहे 9 बजे 10 बजे कोई फिक्र नहीं है भाई, अपना ऑफिस है माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है। कस्टमर तो भगवान है, कस्टमर तो कुछ भी नहीं, वो आपको जो बोलेगा आपको मानना है, उसने मेरे को जो भी बोलना है, हमारा काम है पहले उसको सेटिस्फाई करना, बिकॉज कस्टमर इज लाइक अ गॉड। कस्टमर की इम्पोर्टेंस, अरे बाबा कस्टमर की कौन सी इम्पोर्टेंस है, कस्टमर हमारे पास आता है हाथ बांध के, फाइल उसको हिलाने के लिए हमको फिर देने पड़ते हैं ना 500 रुपये, ऐसे थोड़ी जाएगा। आपको काम करना है, काम कराने लाओ दो, हम रख देंगे, आएगा 4 महीने बाद वो फिर ऐसे ही धक्के खाता वो बेचारा कि हमारे फाइल किधर है, उसको ढूंढने के लिए 100 रुपया अलग लगता है। हम यहाँ हुकूमत की मदद करने के लिए बैठे हैं ना भाई। वापस आने की टाइमिंग कोई नहीं है भाई, जब सर ज़्यादा दे दे, जब हमारा बॉस ज़्यादा दे दे तब वापस आना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि घर पे आने के बाद भी काम करना पड़ता है, मेल आ जाती है या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होती है, PPTs बनानी पड़ जाती है, तो घर पे आने के बाद भी फ़ोन तो बंद कर ही नहीं सकते अपना, तो वापस आने की कोई टाइमिंग नहीं। वापस आने की टाइमिंग, मैं इस बारे में बहुत वो पक्का हूँ, टाइम का पाबंद हूँ मैं एक नंबर का, हाँ, चाहे सरकारी नौकरी क्यों ना हो, आने का टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन जाने के टाइम पूरी 5 बजेंगे और हम घर, बस चाहे कोई भी काम हो बंद करा, सब करा, काम खत्म, चश्मा लगाया और पिजारों के साथ निकल गया बस। सैलरी तो बहुत है हमारी प्राइवेट में, आपको पता है फिर इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, आखिर मेंटेन करना पड़ता है लाइफस्टाइल, तो सैलरी मेरी है 35,000 रुपये, 35,000, इट्स गुड इनफ आई थिंक। सैलरी कितनी है सही, बस गुजारा हो जाता है, बस है कोई 60,000 रुपया, इतना कुछ नहीं है बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करते हैं इतना काम करते हैं कि हमारे लिए सैलरी पूरी पड़ जाती है, ऊपर की तो कमाई हम लेते ही नहीं ना, वो तो हमारे में होता ही नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत है मालिक का शुक्र है माशाल्लाह, इतना बहुत है, 60,000 के अंदर गुजारा चल जाता है, बीवी बच्चे सब खुश हैं, हाँ बस।